नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 9 और 10 दिसंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। 10 तारीख को एकादशी का व्रत है, तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी है तो इसका व्रत रख सकते हैं आप। चावल इत्यादि खाने से परहेज करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, आपको काफी लाभ होगा। और नारायण यानी भगवान विष्णु, इनकी आराधना करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि जल्दी आती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे 10 तारीख रात 10 बजे तक, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 9 तारीख का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है और राहु काल है 9 तारीख का 12:12 PM से लेकर 1:29 PM तक, और 10 तारीख का शुभ समय है 11:52 AM से लेकर 12:33 PM तक, और राहु काल है 1:30 PM से लेकर 2:46 PM तक। तो राहु काल और शुभ समय की जानकारी हो गई, एकादशी के व्रत की आपको जानकारी मिल गई, उत्पन्ना एकादशी 10 तारीख को। यह जो जानकारी मैं आपको राशिफल की दूंगा यह चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है, महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। आपका जन्मदिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी इन 2 दिनों में आती है, तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ साथ शुभ समय में शुभ काम और अशुभ समय में थोड़ी सावधानी। अब हम सीधे राशिफल पर चलते हैं। राशिफल जानने के बाद कुछ विशेष बताऊंगा, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, देखना या ना देखना। राशिफल देखिए और अगर विशेष को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप भी विशेष इंसान बन जाएंगे अपने जीवन में। आज आप खुद के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करें, सोचें कि आप क्या हैं, आप किस काम को करने में अच्छे हैं, किस काम को करने में बुरे हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका अनुभव क्या है, घर परिवार में जो रिश्ते आप निभा रहे हैं क्या अच्छे से निभा रहे हैं। ये छोटी बड़ी सारी बातें हैं, इन सब पे थोड़ा विचार करिए, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनी कमियों को कम करने का प्रयास करिए और खूबियों को बढ़ाने का प्रयास करिए। आपकी आमदनी बढ़ने के संकेत ग्रह सितारे दे रहे हैं। आज आप कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सिखाएंगे दुनिया को। पैसा कमाने में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाने की इच्छा है तो वो पूरी हो जाएगी। ज्ञान विद्या प्राप्ति के लिए बढ़िया दिन है। नौकरी व्यापार शानदार होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, आपकी सेहत बढ़िया है, आपके चेहरे पर खुशी होगी, परिवार व दोस्तों यारों के साथ बढ़िया वक्त बीतेगा, बातचीत होगी, सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, अपने कार्य क्षेत्र में भी एक्टिव पर्सन के रूप में आप जाने जाएंगे, हर काम को आगे बढ़कर करने की आपकी इच्छा होगी। आप के लिए दोनों दिन सौभाग्य देने वाले दिन है। व्यापारी वर्ग को व्यापार बढ़ाने के लिए शानदार फैसले लेने में कठिनाई नहीं होगी, अच्छे सलाह मिल जाएगी। शेयर मार्केट में भी समझदारी से, कूटनीति से और अच्छे दाव पे खेलकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। शरीर में थोड़ी थकान होगी क्योंकि काम ज्यादा होगा तो थोड़ी थकान होगी, तो उसके लिए आराम करिएगा और सेहत को दुरुस्त रखिएगा। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आराम भी आवश्यक है। आप सफलता के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे, आपका बहुत कुछ आज बदला बदला से नजर आएगा। आज आप बहुत अलग तरीके से काम करेंगे, बहुत चेंज होंगे। आपके लिए आज का दिन काफ़ी निर्णायक हो सकता है कुछ मामलों को लेकर। आप अपनों से खुशियां बांटेंगे। जीवन के एक अच्छे व सफल दिन का स्वागत करिए और आनंद लीजिए। सौभाग्य का प्रतीक है आज का दिन, आज गलतियाँ ना हो तो बेहतर है। ये भाग्यशाली दिन है, मुश्किलों से मिलते हैं तो आनंद उठाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो फिर आज का दिन बेहतर है आपके लिए। हनुमान जी की उपासना, माँ सरस्वती की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। मंगल ही मंगल होगा आपका, कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए आपका। आज आपका आत्मविश्वास आपको डबल सफलता दिलाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग मेहनत को और चमकाना चाहते हैं, यानी मेहनत के साथ में भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं। तो आगे का वीडियो देखेंगे
तो मैं बताऊंगा कैसे आपको भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है, कैसे आपकी सफलता की रफ्तार डबल हो सकती है। जानते हैं आज का विशेष। आप किसी भी राशि के हों, समस्याएं जीवन में जरूर होगी, चाहे शनि से हो, चाहे राहु से हो, चाहे केतु से हो, चाहे भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा शत्रु नौकरी व्यापार छोटी बड़ी परेशानी, पत्नी से परेशानी, प्रेमिका से परेशानी, पति से परेशानी, दोस्त से परेशानी, इससे परेशानी, उससे परेशानी, जो आंखों से दिखता है उससे परेशानी, जो आंखों से नहीं दिखता है उससे परेशानी, ग्रहों की परेशानी, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ जिनके जीवन में नहीं है उनको मेरा नमस्कार, ईश्वर आपको ऐसे ही बना के रखे। अब जिनके में है वो क्या करें, वो एक सात की रुद्राक्ष पहने, चांदी में मढ़ा हुआ, उसके साथ में एक चांदी में मढ़ा हुआ लाजवर्द रत्न पहने, उसके साथ में प्यार इश्क मोहब्बत को जीवन में लाने के लिए, देखिए जीवन में क्या आवश्यक है, पैसा बिल्कुल आवश्यक है, सुख समृद्धि सेहत आवश्यक है, लेकिन प्यार भी आवश्यक है, रिश्तों में प्यार, उसका काम करता है ये फिरोजा। महालक्ष्मी का स्वरूप है सात मुखी, शनि राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों से मुक्ति दिलाता है, लाजवर्त अनेक परेशानियों से मुक्ति, दिमाग को तेज करता है, तंत्र मंत्र जादू टोने से आपको राहत दिलाता है। ये तीन चीजें होंगी, इन तीनों का एक लॉकेट होगा उस चांदी में मढ़ा हुआ होगा जो आपको मिलेगा। इसके साथ में मेरे हाथ में एक चमत्कारिक रत्न है जो आपकी नाम राशि के अनुसार मैं दूंगा, वो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, फ्री है, समझ लीजिए। बताऊंगा नहीं क्या है, क्योंकि आपकी जब नाम आएगा, जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। तो ये चार चीजें आपके जीवन में आपकी मेहनत को सपोर्ट कर सकती हैं, आपके भाग्य को चमका सकती हैं। नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। सेहत, पैसा, धन दौलत, सुख समृद्धि, शिक्षा, बुरी चीजों से रक्षा, चाहे वो किसी भी तरीके की बुरी चीज हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, बुरे लोगों से सुरक्षा, घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की, काम की, बच्चों की बुद्धि तेज, बच्चों की रक्षा, इन सब चीजों पे ये काम करता है। मैं जल्दी जल्दी से आपको बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा आपका वक्त नहीं लूंगा। इन सब चीजों को, यानी चार चीजें, सातमुखी रुद्राक्ष, नेपाली ओरिजिनल फिरोजा और लाजवर्त ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ये आपको दिया जाएगा। इसके साथ में आपकी राशि का एक चमत्कारिक रत्न भी दिया जाएगा। ये चारों चीजों की कीमत है 3,800 रुपये। F38 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, मिल जाएगी आपको घर पर आपके कोरियर के द्वारा, और कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना उसकी विधि भी आपको मिल जाएगी, संपूर्ण जानकारी। एक चीज F38, इन चार चीजों के लिए। कुछ लोगों की डिमांड थी इस तरीके के ब्रेसलेट की, ये भी हमारे पास स्टॉक में आ गया है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको B15 लिखकर भेजना होगा, ठीक है जी। B15 लिखेंगे तो आपका ब्रेसलेट बुक हो जाएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। बहुत दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे रुद्राक्ष की माला की, जपने वाली माला की। आप देखिए कई लोग बड़ी बड़ी मालाएं नहीं ले पाते हैं, 108 दाने की, तो हमने ये 27 दाने की ये माला बनाई, जो ओरिजिनल 5 मुखी नेपाली रुद्राक्षों से बनी हुई है विद सर्टिफिकेट। इसको आप देखिए, छोटी सी है, अब इसको आप ऐसे हाथ में डाल सकते हैं और इसको ऐसे हाथ में डाल के इसको जप सकते हैं। क्या जपना है, ओम नमः शिवाय जपना है, ओम नमः शिवाय जपिए, जो राम नाम जपना है राम नाम जपिए, ऐसे हाथ में डाल लें, ऐसे हाथ में डाल लें, ब्रेसलेट बन जाएगा, जेब में रख लें। इसके साथ में हम आपको एक पाउच भी देंगे छोटा सा, उसमें रख के आप इसको कैरी कर सकते हैं, गले में डालें या ना डालें, हाथ में रखकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। 27 दाने, अब 27 दुना क्या होता है, 27 × 2 = 54 होता है, और 54 × 2 = 108 होता है, तो आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। फिर से आपको दिखा देता हूँ, छोटी सी है लेकिन बड़े काम की है, ये भी आपको मिल सकती है, ये भी हमने आपके कहने पर, आपके सुझावों पर ये आपके लिए उपलब्ध कराई है। इसके लिए आपको M लिखना होगा, M15 M लिखकर भेजेंगे, M15, तो ये माला आपको मिल जाएगी। और इसके साथ भी आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, बताऊंगा नहीं इस बार,
जब आप ये लेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब आपको मिलेगा तो आप खुद बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या शानदार चीज़ मिली है। तो इन सब चीज़ों को चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें F38 और माला के लिए M15 और ब्रेसलेट के लिए B15, ये कोड वर्ड है, इससे हमें पता चल जाता है। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। शुद्धता की, काम करने की और अच्छी चीज की गारंटी मैं ले सकता हूं, बाकी ईश्वर जानता है और आपके कर्म जानते हैं कि या आपके प्रयास कितने अच्छे होंगे, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हरिओम, नमस्कार।